लेकिन पूरा धरातल पर नहीं उतरा है, काम अधूरा है। इसमें बिचौलिया पड़ जाते हैं और उसमें अपना दलाली का कार्य करते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फोर लाइव। पंचायती चुनाव का सरगर्मिया तेज हो चुका है और लगातार जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का दौरा करना भी शुरू कर चुके हैं। इस दौरान न्यूज फोर लाइव की टीम लगातार उन जनप्रतिनिधियों से रूबरू हो रही है और उनका उद्देश्य जानने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम मौजूद है सिवान के जीरादी प्रखंड के नरेंद्रपुर पंचायत में और इस वक्त हमारे साथ नरेंद्रपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन उद्देश्य के साथ अपने पंचायत में जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज फोर लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पहला मेरा सवाल होगा कि आप पंचायती चुनाव में अपना कदम बढ़ा चुके हैं, आपका उद्देश्य क्या है? हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता लोग यही है कि हम लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, इंदिरा आवास में घोटाला हो जाता है, बिचौलिया उसमें पड़ जाते हैं, राशन कार्ड की समस्या है, जहाँ जाते हैं त्रस्त हैं लोग, राशन कार्ड हमारा नहीं बना है, यही समस्या है जनता का। तो हम मुखिया का चुनाव जीत जाएंगे तो इस समस्या को समाधान करेंगे, सबको वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड बनवाने का, सरकार की योजनाएं है उसको आप जन जन तक पहुंचाएंगे, पहुंचाने का काम करेंगे। हम बात करेंगे कि आपके पंचायत में जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा जो विकास कार्य किया गया है, किस तरह का विकास कार्य किया गया? उनके द्वारा विकास कार्य किया गया है लेकिन अभी अधूरा है, उसका उस कार्य को हम पूरा करेंगे जीतने के बाद पूरा। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है, वो आपके पंचायत में किस स्तर पर है? हमारे पंचायत में हर वार्ड में नल जल योजना का काम हुआ है लेकिन पूरा धरातल पर नहीं उतरा है, काम अधूरा है, उसको पूरा करें। घर में नल नहीं, जल नहीं मिलता, हर घर में नहीं मिलता। इंदिरा आवास की बात किया जाए तो इंदिरा आवास गरीबों के लिए बनाया गया है, सरकार एक योजना चलाई है, उसमें काफी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है हर जगह है। आपके पंचायत में आप जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों के बीच, उन गरीबों के बीच जा रहे होंगे तो किस तरह की समस्या है? इंदिरा आवास में बिचौलिया पड़ जाते हैं और उसमें अपना दलाली का कार्य करते हैं, उस काम को हम खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार उसमें नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट उन लोगों को पैसा मिलेगा, किसी का उसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। कितना उम्मीद रखते हैं अपनी जनता से? हम पूरा उम्मीद रखते हैं। किन से लड़ाई हो सकती है? लड़ाई सुभाष प्रसाद से है और कोई नहीं है लड़ाई में। मतलब जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? पूरा आश्वस्त है, हमारी जीत ही होगी। चलिए, चुनाव नजदीक है तो जनता से क्या अपील करिएगा इस चुनाव को लेकर? जनता साहब अपील करेंगे कि मतदान करने का हमारे पक्ष में, और जो कार्य होगा उनका कार्य को पूरा करेंगे, धरातल पर सही से। हाँ, सही धरातल पर उतारेंगे। तो बिल्कुल, ये नरेंद्रपुर पंचायत से आते हैं और ये अमरेंद्र कुमार हैं जो भावी प्रत्याशी के रूप में हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पंचायत में विकास हुआ है लेकिन धरातल पर वो विकास नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर जो अधूरे कार्य है उसको हम पूरा करेंगे। बहरहाल, अब देखना यह होगा कि जनता यहाँ की, जो नरेंद्रपुर पंचायत की जनता है, इस बार किसको मुखिया अपना बनाती है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। हम चार नंबर वार्ड से हैं, हमारा नाम बिट्टू सिंह है, हमारा घर बढ़ौलिया है, हमारे गांव में विकास हुआ है मगर हम लोग अच्छा से नहीं हुआ है, बहुत रोड बना है, एक महीने बाद रोड उखड़ के फेंका गया, जल नल काम हुआ है, कहीं पानी आ रहा है, कहीं पानी चला, नाले में गिर रहा है, विकास तो हुआ नहीं है। और चुनाव नज़दीक है, क्या मूड है अपने का? अभी हम लोग मतलब अपना प्रतिनिधि चेंज करेंगे, हम लोग यही मूड है। अभी हमारे गांव के मतलब हमारे पंचायत के अमरेंद्र चाचा जो हैं वो मुखिया के मतलब हम उनका तो चुनाव लड़ने का ये नहीं था, मगर जनता हम लोग उनको बहुत प्रेशर आज 5 साल दे रहे हैं, हम लोग का विकास, हम लोग हेल्प आज 10 साल से कर रहे हैं, हमेशा हेल्प करते रहते हैं, मुखिया के तौर से ज़्यादा हम लोग हेल्प ये करते हैं।